वैसे इन दिनों भारत ने अपने कच्चे तेल के आयात को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। भारत ने सिर्फ मई के महीने में रूस से करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल को आयात करने का काम किया है। लेकिन दूसरी ओर भारत ने अपने स्वदेशी तेल को बनाने का काम भी बहुत तेजी से शुरू कर दिया है। बीते 5 जून 2023 यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के दिन भारत ने दुनिया के सबसे बड़े प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। इस प्लांट का सबसे ज्यादा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है। आइए जानते हैं इस प्लांट की सारी डिटेल्स। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भारत में दुनिया के सबसे बड़े बायोगैस प्लांट को बनाने का काम किया है मैक्सिको बेस्ड कंपनी सिस्टेमा.बायो ने। कंपनी ने अपने इस प्लांट को पुणे के अंदर तैयार किया है, जिसमें करीब 150 मिलियन इंडियन रुपीस खर्च किए गए हैं। इस प्लांट को 130,000 स्क्वायर फीट में फैलाया गया है और 5 जून 2023 को इस प्लांट का सक्सेसफुली इनॉग्रेशन भी किया जा चुका है। आपको बता दें, इस प्लांट के अंदर प्री फैब्रिकेटेड गैस प्लांट्स को बनाने का काम किया जाएगा, यानी कि एक पूरा अरेंजमेंट जिसको एक किसान आसानी से अपने पास इंस्टॉल कर सकता है और कई प्रकार के वेस्ट यानी कि एनिमल्स वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट और मल्टीपल वेस्टर्स का इस्तेमाल करते हुए गैस को प्रोड्यूस कर सकता है। उस गैस का इस्तेमाल गैस पावर्ड जनरेटर्स, कई प्रकार की मशीनों में एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुकिंग प्रोसेस में इस गैस का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस बायोगैस प्लांट की जो कैपेसिटी है वो करीब 1 लाख प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट्स को बनाने की है, लेकिन 2023 में सिर्फ 50,000 गैस प्लांट्स को बनाने का काम किया जाएगा। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। इसके लिए कई प्रकार की मशीनों की भी जरूरत पड़ने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, असम और छत्तीसगढ़ सहित भारत के 21 राज्यों में 50,000 से भी ज्यादा छोटे किसानों के साथ मिलकर के काम कर रही है और आगे चलकर के ऐसी ही कई यूनिट्स देश के अंदर फैलानी है। करीब 360 से भी ज्यादा यूनिट्स देश में फैलाई जाएंगी। कंपनी 2025-26 तक करीब 3 लाख बायोगैस प्लांट्स को बनाने का काम इसी यूनिट से करने वाली है, जिसमें से 80% का इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। बचे हुए 20% को हम पूर्वी दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण एशिया के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। कंपनी का फाइनल टारगेट है 2030 तक भारत में करीब 10 लाख बायोगैस प्लांट्स को बनाने का काम किया जाए और छोटे से लेकर के बड़े किसानों तक ये सुविधा पहुंचाई जा सके। और ऐसा नहीं है कि बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल करने में हम काफी ज्यादा पीछे हैं। आज भारत में 2022 के एक डेटा के मुताबिक भारत में करीब 5 मिलियन बायोगैस प्लांट्स मौजूद हैं। ये सभी छोटे और बड़े गैस प्लांट हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इंस्टॉल किए गए हैं। बाकी स्टेट वाइज डेटा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा भारत के एनर्जी सेक्टर में ऐसे ही गैस प्लांट्स का होना काफी ज्यादा जरूरी है। आज भारत की 70% एनर्जी जो नीड्स हैं वो ऑयल, गैस और कोल्स पर डिपेंडेंट है और भारत हर साल करीब 263 बिलियन रुपीस खर्च करता है सिर्फ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स में। इसके अलावा 2022 के डेटा के मुताबिक भारत ने करीब 263 बिलियन इंडियन रुपीस स्पेंड किए हैं 5,000 से भी ज्यादा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को बनाने में। ये सभी प्लांट्स 2024 तक बनने की उम्मीद है, लेकिन टारगेट के मुताबिक अभी भी काम नहीं किया जा रहा। जहां 2022 में भारत ने बायोगैस का इस्तेमाल करते हुए करीब 14 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की थी और बायोगैस प्लांट से करीब 20,757 लाख क्यूबिक मीटर गैस को प्रोड्यूस किया गया था, जो करीब 6.6 करोड़ डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर्स के बराबर है। ओवरऑल देखा जाए तो भारत को मॉडर्न डेवलपमेंट और अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसे ही बायोगैस प्लांट की जरूरत है। आज देश के अंदर काफी बड़े स्केल पर वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ऐसे ही गैसेस को प्रोड्यूस करके अपनी डिपेंडेंसी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। फिलहाल भारत में तैयार किए गए दुनिया के सबसे बड़े प्री फैब्रिकेटेड बायोगैस प्लांट के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।